क्या आपको पता है खड़े होकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? चलिए जानते हैं। प्यास बुझाने के लिए पानी से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पानी पीना लगभग हर बीमारी का इलाज माना जाता है, लेकिन यह न केवल हमारे शरीर में मौजूद गंदगी को साफ करता है, बल्कि शरीर को दिन भर ताजा रखने में हमारी मदद करता है। डॉक्टर अच्छी सेहत के लिए दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं, लेकिन हम दिन भर में कितना पानी पीते हैं यह हमारे लिए काफी नहीं है, बल्कि हम पानी कैसे पीते हैं यह जानना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को खड़े होकर पानी पीने की आदत होती है, जल्दबाजी में कई बार खड़े होकर ही पानी पी लिया करते हैं या फिर बोतल ही मुँह से लगा डालते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से जाने अनजाने में हम कई बीमारियों को न्यौता देते हैं। इस स्थिति में पानी पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, खासतौर से लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए बेहतर है कि आप इस आदत को दुष्प्रभावों के बारे में जान लें, ताकि भविष्य में आपको पछताना न पड़े। जब भी आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो जरूरी पोषण नहीं मिलता। खड़े होकर पानी पीने से फूड और विंड पाइप में होने वाली सप्लाई रुक जाती है, जिसका असर न केवल फेफड़ों पर बल्कि दिल पर भी पड़ता है। इसके अलावा खड़े होकर पानी पिया जाए तो पानी की अधिक मात्रा के कारण पेट के निचले हिस्से की दीवारों पर दबाव बनता है, जिससे पेट के आसपास के अंगों को भारी नुकसान पहुंचता है। इस बुरी आदत के चलते कई लोगों को हानियों का शिकार होना पड़ता है। हो सकता है कि आपको यकीन न हो, लेकिन आपका तनाव बढ़ने की एक वजह आपका खड़े होकर पानी पीने की आदत भी हो सकती है। दरअसल खड़े होकर पानी पिया जाए तो इसका सीधा असर तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इस तरह से पानी पीने से पोषक तत्व पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं और शरीर को तनाव का सामना करना पड़ता है। कई बार आप घर के बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है, यह भी सत्य है। इस आदत के चलते घुटनों पर दबाव बनने लगता है, जिससे आर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। इस आदत के चलते पानी का बहाव तेजी से आपके शरीर से होकर जोड़ों में जमा हो जाता है, जो बदले में हड्डियों और जोड़ों को खतरे में डाल सकता है। हड्डियों के जोड़ों वाले हिस्से में तरल पदार्थों की कमी की वजह से जोड़ों में दर्द के साथ हड्डियों कमजोर होना शुरू हो जाती है। कमजोर हड्डियों के चलते व्यक्ति गठिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। जब कोई व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है तो पानी बिना फिल्टर हुए पेट के निचले हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ता है। यह पानी में जमा अशुद्धियों को पित्ताशय में जमा कर देता है, जो किडनी के लिए बहुत हानिकारक है। अधिक गंभीर मामलों में किडनी हमेशा के लिए फेल भी हो सकती है। अगर आप खड़े होकर 1 गिलास पानी पी लें तो आपका पेकोसिस्ट भर जाएगा, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। इसीलिए प्यास बुझानी है तो बैठकर छोटे छोटे घूंट करके पानी पिया करें। तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा।